भाग में बांट दो और उसका एक भाग किसी पेशेंट को दो, और अगर विश्वास नहीं होता है तो होम्योपैथिक करना छोड़ दो। ये है डॉक्टर शेफर्ट का लिखा मोर मैजिक ऑफ मिनिमम डोज के अंदर में। तो हम कहां जा रहे हैं? हम साइंस से बहुत दूर, हम मटेरियल डोज के अंदर चले जा रहे हैं, हम मटेरियल डोज में आ रहे हैं, हम पेटेंट दे रहे हैं मटेरियल डोज में दे रहे हैं, कुछ मेडिसिन ऐसा खिलाते जा रहे हैं मटेरियल डोज में खिलाते चले जा रहे हैं। तो जो क्योर होने की बात हम जो कहते हैं वो बहुत दूर की बात है, ये संभव नहीं है कि हम उसको क्योर कर सकते हैं। तो अच्छे होम्योपैथ बनने के लिए, अच्छा नाम कमाने के लिए, अच्छी जगह पर पहुंचने के लिए, और बहुत सुखी रहिएगा जिस दिन आप साइंस प्योर साइंस का प्रैक्टिस करिएगा ना, उस दिन देखिएगा कि आपके मन के अंदर कितनी शांति मिलती है। पैसा भी कमाइएगा, और ज्यादा कमाने से क्या होता है, चाहे वो टैक्स देना पड़ता है, चाहे कुछ देना पड़ता है, चाहे दूसरा लिख के जाए, हम उतना पैसा क्यों कमाए, हम उतना पैसा क्यों कमाए। नीलमणि घटक ने कहा है, बहुत अच्छी लिखा है, नीलमणि घटक का लिखा हुआ एक बुक है, ये नीलमणि घटक का लिखा हुआ एक बुक है, उसने कहा है कि आप यू कैनॉट सी ए डजन ऑफ केस इन ए डे, आप एक दिन में एक दर्जन रोगी को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि एक क्रोनिक केस को देखने में मोर देन हाफ एन आवर लगता है, मोर देन हाफ एन आवर, किसी किसी केस को देखने में तो आपको एक घंटा भी लगेगा। तो क्या संभव है हम 10 रोगी को देख लेंगे? नहीं देख पाएंगे। अरे क्लिनिक 8 बजे से बैठेंगे, 1 बजे तक शाम को बैठेंगे, तो भी हम 10 रोगी को नहीं देखेंगे। तो हम अगर जितना लेबर करना है किसी पेशेंट के ऊपर, जितना हमको अध्ययन करना है किसी पेशेंट के ऊपर, वो अध्ययन करने के बजाय हम क्या देख रहे हैं, हम अपनी आर्थिक देख रहे हैं कि हम कितना पेशेंट देख रहे हैं। कोई कोई तो कहता है कि हम 100 पेशेंट डेली देखते हैं। क्या देखते हैं? होम्योपैथिक से मजाक करते हैं और कुछ नहीं करते। वो आकर के मेरे सामने बात करे कि आपने होम्योपैथिक में क्या देखा। अरे एक एक्यूट केस को देख लेंगे, अगर एक सिर्फ एक्यूट केस को देखेंगे तो 5 मिनट से कम नहीं लगेगा एक एक्यूट केस को देखने में। उसको पूछेंगे कम से कम क्या हुआ, कब से हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, पूछते पूछते उसको 5 मिनट, 1 मिनट उसको लगेगा बैठने में, 1 मिनट लगेगा हंस जाने में, 2 मिनट तो ऐसे निकल जाएगा है। 5 मिनट उससे पूछेंगे आप कितना पेशेंट देखिएगा, मजाक की बात है। होम्योपैथ को मजाक लोग बना दिए हैं, और इस मजाक से दूर रहना है तो होम्योपैथी को अपनाइए, सही होम्योपैथ को अपनाइए, जिंदगी में सफलता प्राप्त मिलेगी और धन भी आपको मिलेगा। थैंक यू मेरी तरफ से।